अरे मुझे ये कहा कि आपकी मामा बुला रही है, पिकअप में आए थे ये तीनों। जैसे मैंने पर्दा हटाया पिकअप का तो अंदर कोई भी नहीं था, पीछे से एक लड़के ने धक्का दिया है, पिकअप के अंदर फेंक के मुझे ले गए हैं। मुझे वो गाजियाबाद वाली साइड पे लेके गए थे और उधर एक हवेली थी काफ़ी भरी उधर थे। आपने पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज करवाया? जी करवाया था पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं अपना DNA करवाने आई थी यहाँ जी। मेरा टेस्ट हो गया, कल सुबह रिपोर्ट आ जाएगी। जिससे हमने दरख्वास्त लगाई ना, उस आदमी से मुझे हार लगाने की कोशिश करने की, मैंने हार नहीं लगवानी थी उसको। ऐसी बच्ची के साथ दरिंदगी की और वो भी तीन तीन जान। मैं तो कहती हूँ ऐसे इंसानों को फांसी होनी चाहिए। ये गई है थाने गड़ीशो में ना, तो उन्होंने कहा ये मदर साइको लगती है, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट डे उसके दोस्त आए मेरे पास, एक उमर नाम का था, डॉल्फिन में उसने मुझे बताया। तो कहने लगा आपकी क्या डिमांड है? मैंने कहा इसमें डिमांड वाली कि आपकी बहन के साथ कुछ हुआ होता तो क्या आप डिमांड करते? तो ये कह रहा था उसने, बस ये कहा था कि इसके मुँह पर तेजाब फेंक दें, इसको छोड़ेंगे नहीं हम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाहौर में डाका जनी और कत्ल की वारदातों के अलावा ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात भी संगीन जराइम का हिस्सा बने हुए हैं। मासूम बच्चियां, जवान सारा लड़कियां और शादीशुदा ख़वातीन कोई भी इस जुर्म से महफूज नहीं। आज हम जिस केस से आपके लिए पर्दा उठाने जा रहे हैं उसमें 17 साल बच्ची को गाड़ी में सवार तीन मुलजमान ने अगवा किया और उसके बाद उसको गैंग रेप का निशाना बनाया, फिर उसको गैर हालत में सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। इस केस की क्या तफसीलात है, चलिए मेरे साथ जानते हैं। मैं हूँ वजिया अब्बास और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल का नया क्राइम शो लेडी क्राइम रिपोर्टर। नाज़रीन, ये वही मोटरसाइकिल मार्केट है जहां पर 17 साल लिशवा को अगवा किया गया और अगवा करने के बाद उसको मुसलसल लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर ज़्यादती का, इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद इसी सड़क पर उसको हालत गैर में फेंक कर वो मुलजिम फरार हो गए। तो आइए इस केस की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, इसकी मज़ीद तहकीकात करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं 17 साल लिशबा जो कि गैंग रेप का निशाना बनी है। आइए उनसे जानते हैं कि वाक्य उनके साथ किस तरह पेश आया और कब पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं लिशबा आप? जी ठीक हूँ। अच्छा लिशबा, मुझे ये बताएं कि किस दिन का वाक्य और उस वक्त क्या वक्त था? ये 7 तारीख का वाक्य है और रात 8 बजे का है। तो क्या हुआ था, आपको उन्होंने अगवा किया? आप अकेली थीं या किसी के साथ जा रही थी? क्या करने गई थी आप वहाँ पर? मैं मामा के साथ काम करने गई थी उनके घर में। मामा क्या करती हैं? मामा उनके घर में काम करती हैं। जिन्होंने आपके साथ ये किया उनके घर काम करती हैं? उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी मामा बुला रही है, पिकअप में आए थे ये तीनों। पिकअप में इन्होंने मुझे अगवा किया और मुझे वहाँ से उठा कर ले गए हैं हवेली वाली साइड पर। नहीं, आप उस वक्त अकेली थी या अपनी मामा के साथ थी? अकेली थी उस वक्त। अच्छा, अपनी अम्मी के पास जा रही थी। तो इन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारी मामा बुला रही हैं तो आओ हम तुम्हें ले जाते हैं। आप इनके साथ गाड़ी में बैठ गई थी? मैं तो यही समझ के बैठ के मेरी मामा है इनके पास, मेरी मामा बुला रही होगी। तो मुझे यही लगा, जब जैसे मैंने पर्दा हटाया पिकअप का तो अंदर कोई भी नहीं था, पीछे से एक लड़के ने धक्का दिया है, पिकअप के अंदर फेंक के मुझे ले गए हैं। और काफ़ी सुनाटी जगह थी, हवेली थी, उसके अंदर लेके गए ये मुझे। उसके बाद आपको वापस कब छोड़ा था? वापस तकरीबन 11 या 1 बजे का टाइम था। को रोड पर ये लोग फेंक कर फरार हो गए थे, तो उसके बाद आप घर कैसे गई थी? कोई लेने आया था या किसी से फ़ोन लेके कॉल की थी घर पे? क्या हुआ था? मैं पैदल ही घर आई थी उसके बाद, वो भी रोते रोते घर आई थी। अच्छा, वो जो तीन लोगों के चेहरे आपको याद है? जी मुझे याद है। और उनको आप जानती हैं, मतलब कोई रिश्तेदारी थी या पहले से कोई दुश्मनी? जैसे आपने बताया आपकी अम्मी वहाँ काम करती हैं, उसके अलावा भी आप उनको जानती थी? उसके अलावा नहीं, मैं उन्हें जानती थी, मैंने तो फर्स्ट टाइम उन्हें देखा था। बेटा, अगर फर्स्ट टाइम आपने उन्हें देखा था और उन्होंने कहा कि आपकी अम्मी बुला रही हैं और आप उनके साथ बैठ गई थी? मुझे तो इन्होंने बार बार यही तबादला कि हम के भरे भाई, जैसे आप हम पे यकीन करें हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको कोई अंदाज़ा है कि आपको वो लेकर कहाँ गए थे? मुझे वो गाजियाबाद वाली साइड पे लेके गए थे और उधर एक हवेली थी काफ़ी भरी उधर थे। तो आप उस वक्त अपनी हालत, जब आपको फेंका था, आप किस बेहोश थी या आपको चोटें लगी हुई थी, क्या हालत थी आपकी उस टाइम? मुझे काफ़ी चोटें लगी हुई थी और मैं बेहोशी की हालत में थी जब मैं घर आई। अकेली घर आई थी आप? जी मैं अकेली घर आई थी। आपने पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज करवाया? जी करवाया था पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, आप इस हॉस्पिटल में कब आई हैं, किस वक्त से आई हैं और यहाँ पे आप क्या करवाने आई हैं? मैं अपना DNA करवाने आई थी यहाँ। मैं सुबह से आई हूँ 7 बजे से और यहाँ अब 8 बजे 9-10 हो गए हैं। आपका टेस्ट हो गया सब कुछ जो भी था? जी मेरा टेस्ट हो गया, कल सुबह रिपोर्ट आ जाएगी। पुलिस क्या कह रही है आपको इस बारे में? पुलिस ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया इस बारे में।
ओके, हम बताएंगे अभी, पर इस साहब से बात करेंगे। ठीक है बेटा, आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना अलिशबा का क्या कहना था, उसने सारा वाक़या अपनी ज़ुबानी बताया, उसने हमें तफसीलात बताई, तो मज़ीद हम इसकी वालदा से बात करते हैं कि किस तरह ये वाक़या पेश आया और उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त अलिशबा की वालदा और खाला मौजूद हैं, आइए हम उनकी वालदा से बात करते हैं कि किस तरह ये वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं रुकैया। अच्छा, मुझे ये बताएं रुकैया कि जिन्होंने आपकी बेटी को अगवा किया था, गाड़ी में डाला था, क्या आप उनको जानती थी? कि बच्ची मुझे बता रही थी कि आप उनके घर काम करती थी। नहीं, मैं ज़्यादा जानती नहीं थी, लेकिन मैं उनके घर काम करती थी, उन्होंने मुझे काम के सिस्टम बुलाया था, तो हमारे घर शादी, लेकिन उनके घर शादी कोई भी नहीं थी। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा किधर, कहता वो पल्ली साइड पर ना हमारा इंतज़ाम है, तो आप बच्ची छोड़ दें। मैंने कहा मैं बच्ची को घर छोड़ा, तो कहता हम छोड़ आते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी बच्ची है, मैं खुद ही छोड़ कर। अच्छा, आप और अलिशबा पहले घर इकट्ठे गए थे? हम इकट्ठे जब गए हैं ना, तो मुझे इसी ने झूठ बोल दिया, इन्होंने लड़कों ने कहता हम अलिशबा हमारी बेटी है, इनको हम छोड़े, इन्होंने मतलब लड़ाई लड़ूंगी हमारी करवा दी थी, इसको भी मतलब ब्लैकमेल किया, मुझे भी किया, जिसकी मैं थोड़ा सा पीछे हट गई थी, और मेरे पीछे हटने की देर है, पीछे से मेरी बच्ची गया, बोल के वो पिकअप में डाल के ले गई इसको। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि आप कह रही हैं आप उनको इतने सही तरीके से नहीं जानती थी, तो फिर आपने मतलब बच्ची को, एक ऐसे लोग जिनको आप जानती नहीं, आपने अपनी जवान बच्ची को कैसे उनके साथ भेज दिया? मैंने उनके साथ नहीं था भेजा, वो उसको ज़बरदस्ती ले गए हैं, और मुझे नहीं बताया उन्होंने, और मुझसे झूठ बोलते रहे हमने आपकी बच्ची घर भेज दी है। तो जब उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में लेकर जा रहे थे, आपने कोई शोर शराबा नहीं किया आस पास, इसको बताया नहीं कि मेरे बच्ची को ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं? नहीं, गाड़ी में मेरे सामने नहीं लेके गए थे, सिर्फ ये था कि मुझे ये झूठ बोल रहे थे, तो हमने आपकी बच्ची को घर छोड़े। मैंने कहा मुझे मेरी बच्ची वापस ला के दो, तो मैं मतलब पूरे रोड पर रोती रही, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, पूरी आवाम सुन रही थी, तो एक माँ बच्ची को रो रही है, उन्होंने पूछा भी है तो भाई क्या मसला है, कहते नहीं हमारे पास ना घर का, मैं बच्ची को बच्चे हम घर छोड़ आए हैं। मैंने कहा मुझे मेरी बच्ची ला के दो, उन्होंने मुझे घर छोड़ के आओ, मुझे नहीं पता था ये पीछे से इन्होंने एक मिनट में मेरी बच्ची गायब की है इन्होंने, और मुझे पता ही नहीं है, पहले मारा इसको मार के, बाद में इसका रेप किया उन्होंने। तो आप लोगों के जो मुलजमान हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं कोई अभी तक? नहीं, वो नहीं हुए, उनके वालिद साहब, उनके दोनों भाई हो गए हैं, लेकिन वो नहीं हुए। मतलब जो मेन मुलजम है वो अभी तक नहीं गिरफ़्तार हुए? जी नहीं। जी तो नाज़रीन, मेरे अलिशबा की वालदा से बात की, उन्होंने हमें सारी तफसील बताई, सारी कहानी बताई। मेरे साथ इस वक्त अलिशबा की खाला भी मौजूद है, हम उनसे भी इस बारे में बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा ज़रीना। ज़रीना, मुझे ये बताएं कि जब ये वाक़या पेश हुआ था आप उस वक्त कहाँ थी? मैं तो घर थी अपने ना, मुझे तो पता नहीं, मैंने नेक्स्ट डे देखा इसका ना, बच्ची की कंडीशन देखी मैंने, तो मैंने इसकी मामा को कहा कि मुझे इसकी कंडीशन सही नहीं लग रही ना, कि इसके साथ कुछ हुआ, तो इस ये गई है थाने गड़ीशों में ना, तो उन्होंने कहा जी आप साइको, जो मुझे सुनने में पता लगा है, मुझे सुनने में आया, तो उन्होंने कहा जी आप ये मदर साइको लगती है, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तो फिर ये वापस आ गई इनके, तो नेक्स्ट डे फिर मैंने एक्शन लिया, ये भाई हैं हमारे नेबर्स में, उन्होंने एक्शन लिया इनके ख़िलाफ़। पहले तो जब वो अगवा हुई थी बच्ची, आपको तब नहीं बताया गया था? मुझे किसी चीज़ का भी नहीं पता था, ये तो रात को 1:15 बजे घर आई है, इसको जब छोड़ के गए हैं बाहर, तो मैंने आपको बताया ना कि नेक्स्ट डे मैंने सुबह इसको देखा, इसकी कंडीशन देखी, तो मुझे लगा था कि इसके साथ कुछ हुआ, फिर मैंने इसकी मदर को बताया कि इसके साथ कुछ हुआ, तो ऐसी बच्ची के साथ दरिंदगी की, और वो भी 3-3 जन, मैं तो कहती हूँ ऐसे इंसानों को फांसी होनी चाहिए। वो आप लोग को थ्रेट भी कर रहे हैं? जी। तरह से आप लोगों को थ्रेट कर रहे हैं? पता नहीं, उसके दोस्त आए थे मेरे पास ना नेक्स्ट डे, जब एप्लीकेशन दी है हमने, तो नेक्स्ट डे उसके दोस्त आए हैं मेरे पास, एक उमर नाम का था, डॉल्फिन में उसने मुझे बताया, तो कहने लगा आपकी क्या डिमांड है, मैंने कहा इसमें डिमांड वाली कि आपकी बहन के साथ कुछ हुआ होता तो क्या आप डिमांड करते लड़कों वालों के साथ, नहीं इस तरह मैं गोली मार देता, तो फिर मैंने कहा इनको भी गोली मारें, फिर आप पैसे बताएं क्या लेना है हमें बताएं, इसको माफ़ कर दें, तो मैं इसका निकाह किसी के साथ करवा देता हूँ। मैंने कहा इतनी गिरी हुई बच्ची नहीं है, ठीक है आपने जो कदरिंदगी की है उसके साथ हमें इंसाफ चाहिए, उसके बाद नहीं आए वो। मैं ये तो आपने बता दिया, लेकिन वो कह रही थी धमकी, तो आपको धमकी किस तरह की दे रहे हैं कि हम लोग आपके साथ क्या कर देंगे? वो ये कह रहा था, उसने बस ये कहा था कि इसके मुँह पर तेजाब फेंक दें, इसको छोड़ेंगे नहीं हम, सनी नाम का जो लड़का। क्या नाम बताया आपने? सनी। अच्छा, सनी नाम का लड़का है जो बच्ची को धमकी दे रहा है कि तुमने अगर माँ को बताया कंप्लेन की तो हम तुम्हारे मुँह पर तेजाब फेंक देंगे, ऐसा ही है।
वाले। हमारी यही दुआ है कि आप लोगों को इंसाफ मिले, हम लोग आपकी आवाज़ बनेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ अलिशवा की वालदा, उनकी खाला मौजूद थी, उन्होंने सारी बात बताई। उनका ये भी कहना था कि उन लोगों को मुसलसल वहाँ से धमकियाँ मिल रही हैं कि अगर तुम लोगों ने केस किया, कुछ भी किया, तो हम बच्ची के मुँह पर तेज़ाब डाल देंगे। नाज़रीन, अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इस केस की मज़ीद तहकीकात करते हैं। जवान साला अलिशवा के गैंग रेप में मुलविस मुलजमान को पुलिस अभी तक गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। हमारी डीएसपी इन्वेस्टिगेशन शाहिद रशीद साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने मुलजिम के घर से दो अफराद को गिरफ्तार किया है ताकि हम असली मुलजमान तक पहुंच सकें और उनको उनके अंजाम तक पहुंचा सकें। मैं बैठा हूं, सामने बैठे हैं, मैंने मीटिंग में कॉल ली है, आपसे बात करूं। आम तौर पर नाज़रीन, रेप में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तारी के बावजूद भी सजा दिलवाना मुश्किल ही होता है। पुलिस के तफ्तीश ऑफिसर की नाइली इस तरह के मुलजमान को रिहा होने में और बेगुनाह होने में मदद करती है। दूसरी तरफ मुलजमान और मुदई में आपस की सुलह की वजह से इस तरह के मुकदमात पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकते हैं। गैंग रेप जैसे मुलजमान को रिहाई मिल जाना इस तरह के जुर्म के इजाफे में एक बुनियादी वजह माने जाते हैं। मुझे जानी के लेडी क्राइम रिपोर्टर वजीहाबाज को ज़्यादा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।